हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार सिंह एज ए मैथ मेंटर। चलिए एक नया टॉपिक देखते हैं, सीरीज जो सिंप्लीफिकेशन में हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी करंट में रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें भी हर शिफ्ट में सीरीज का क्वेश्चन देखा जा रहा है। तो हम लोग सीरीज का मतलब जानते हैं क्या होता है। अगर हम देखें, कुछ देखते हैं सीरीज का, लिखें 3/4। अब 4 को ऐसा दो टुकड़ा करना है, ऐसा दो टुकड़ा करना है जो डिफरेंस करके 3 आ जाए। मतलब इसको अगर लिखे 1 और 4, इंटू करके 4 आ गया, और इसका अगर हम डिफरेंस लें तो 3 आ जा रहा है, मतलब ऊपर वाला पार्ट आ जा रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 - 1/4। इसको फिर सॉल्व करेंगे अगर, इसका एलसीएम 4 आ जा रहा है, इसका एलसीएम 4 आ जा रहा है, तो 4 - 1 मतलब 3/4 यही आ जा रहा है। कुछ और है देखते हैं, मतलब 3/10। इसको भी वही चीज करना है जो इसमें बताए, इसको भी ऐसा ही मल्टीप्लाई करना है जो डिफरेंस 3 आ जाए। मतलब 2 और 5, इसका डिफरेंस कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, डिफरेंस 3 आ जा रहा है। इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1/2 - 1/5। इसका देखिएगा 10 आ गया, 5 - 2 - 3/10 आ गया, जो बताना चाह रहे हैं। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सीरीज कैसे बन रहा होगा। क्वेश्चन की चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखते हैं। कुछ देर पहले हम आपको बताए कॉन्सेप्ट का, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा एक सीरीज हो गया, जब ये सीरीज को हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व अगर करते हैं तो 3y 1 का स्क्वायर 1 और 2 2 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस इसको लिखेंगे तो 4 और 9 मतलब 36। इसको इसी तरह जा रहा है, 19 का 81 * 100। इसको इसी तरह तोड़ना है, यहाँ तो इजी था दिख रहा है क्या, इसको इसी तरह दो रूप में तोड़ना है जो डिफरेंस कितना आ जाए, 3 आ जाए। इसको अगर हम तोड़े कितना लिखेंगे, 1/1 - 1/4 प्लस इसको तोड़े, 4 * 9 हो गया, 1/4 - 1/9 .. इसका देखिएगा 19 का डिफरेंस है, बात तो बन गया क्या, 1/81 - 1/100 ये हो गया। अब ये देखिएगा, जो बीच का सीरीज है हमेशा प्लस माइनस जो आता होगा वो कट जाता होगा, बचा क्या, मेरा फर्स्ट का सीरीज और लास्ट का, क्या बचा, फर्स्ट का और लास्ट का, मतलब 1 - 1 = 99/100 ये मेरा आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा, ये 3/1 * 4 हो जाएगा, मतलब 1 * 4। इसको लिखेंगे तो 4 * 9 .. इसको लिखेंगे 39 * 361 * 400। इसका तो डिफरेंस यहाँ 3 हो जा रहा है, यहाँ 5 हो जा रहा है, यहाँ देखिएगा 39 हो जा रहा है। इसको उसी तरह लिख सकते हैं क्या, 1 - 1 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/9 .. प्लस 1 - 361 - 1/400 यही लिख सकते हैं। अब ये देखिएगा कि बीच का जो सीरीज कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, क्या बचेगा मेरा,
वन माइनस 400, यहाँ एलसीएम लीजिएगा 400, तो 400 माइनस वन मतलब 399 बटा 400, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे कोई सीरीज अगर बन रहा हो, कौन सा ए इंटू बी का, इसको किस तरह में लिखा जाता है वो हम लोग देखते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं हम वन बाई बी माइनस ए इंटू वन बाई ए माइनस वन बाई बी। इस तरह जो सीरीज दिया हो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखते हैं ये आके ये नहीं, इसको सॉल्व करते हैं हम, आता है कि नहीं। तो 1 बाई बी माइनस ए, यहाँ से एलसीएम होगा ए इंटू बी, यहाँ से बी माइनस ए आ जाएगा। अब ये देखिएगा, ये मेरा तो इंटू में था, ये से तो ये कट जा रहा है, अच्छा आया क्या 1 बाई ए इंटू बी। तो इस तरह का सीरीज कभी भी दिया हो तो हम लोग लिख सकते हैं इस सिचुएशन में, हम लोग प्रूफ भी किया ये आ रहा है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये क्वेश्चंस को देखते हैं हम, बताएं क्या बताए थे कि जब इस तरह का सिचुएशन हो तो क्या करना है, ए माइनस बी करना है, बी माइनस ए करना है, मतलब बी माइनस ए किए तो 5 माइनस 3 गया तो 2 हुआ, 1/3 माइनस 1/5 करना है, फिर प्लस करना है, फिर यहाँ से 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ 1/5 माइनस 1/7, फिर यहाँ से 1/2 हो जाएगा, फिर वहाँ से 1/7 माइनस 1/9 होगा। यहाँ से एक चीज़ देखिएगा, 1/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचा 1/3 माइनस 1/5, फिर यहाँ प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9, ये बच गया मेरा। अब ये कट जाएगा तो बचा क्या 1/3 माइनस 1/9। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 9 हुआ एलसीएम, ये 3 हुआ माइनस 1 मतलब 2/9 यहाँ से, और ये 1/2, 2 से 2 कटा 1/9 हुआ, 1/9 हुआ। देखते हैं कुछ इतना, जब हम लोग सीरीज बनाए हम लोग कुछ एनालिसिस किए कि यहाँ जो हो रहा था 1/2 ये बी माइनस ए, और जो फर्स्ट टर्म बच रहा था ये हो रहा था मेरा 1/3 और माइनस 1/9 बच रहा था ये पार्ट, तो इसी को केवल सॉल्व करना है। यहाँ से 1/2 आया, फिर यहाँ से 9 आया, 3 माइनस 1 2/9, फिर यहाँ से आ गया 1/2, 2 से 2 कटा 1/2, मतलब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म केवल पकड़ना है, बाकी बात सब तो कट ही जाता है। ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या कर रहे थे कि जो डिफरेंस है वो लिख दे रहे थे, इसका डिफरेंस कितना 2 है तो 1/2, इसका फर्स्ट टर्म कितना 1/3, इसका लास्ट टर्म कितना होगा 1/21 माइनस 1/21। यहाँ से देखते हैं 1/2 हो गया, 21 एलसीएम हो गया, 7 माइनस 1 ये हो गया। अब यहाँ से कितना बचा 6/21 इंटू 1/2, 2 से 3 1 में 3 से 7 1 मतलब 1/7 हुआ, 1/7 हुआ। अगर यही क्वेश्चन आपको कह दे यहाँ 1 के जगह क्या रखे, 1 के जगह मान लेते हैं हम ए ए रख लेते हैं,
क्या रख लेते हैं, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, ए और यहाँ भी, कोई डिफरेंस नहीं होता। ए ए एम अगर हम यहाँ से कॉमन लेते तो यहाँ भी ए बचता और यहाँ भी ए बचता और जो आंसर आता वो ए बाई सेवन हो जाता। समझे बात को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर एग्जामिनर आपको थोड़ा सा घुमा दे, मतलब सीरीज को आपको तोड़ना होगा, तो आपको क्या करना है? जो इसका लास्ट टर्म होगा वो इसका फर्स्ट टर्म होगा। यही तो हम लोग समझते आ रहे हैं, जो इसका लास्ट टर्म होगा वही उसका फर्स्ट टर्म होगा। तो इसका देखते हैं क्या, इसको तोड़ेंगे तो 3 × 5 होगा, यही जाके इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। 5 × 7 यही जाके इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, 7:9। लेकिन जब यहाँ तोड़िएगा तो थोड़ा सा आपको पंगा होगा। तो हम एनालिसिस बता दे रहे हैं कि देखिएगा, यहाँ सब जो जा रहा है वो ऑड नंबर में जा रहा है। क्या जा रहा है? ऑड नंबर में। तो इसके इर्द गिर्द देखिएगा कि 196 जो होता है, स्क्वायर नंबर ढूंढना, 196 14 का स्क्वायर है। तो जब हम 14 का स्क्वायर इर्द गिर्द ढूंढे और अपने से मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि उसका क्या होना चाहिए, तो अगर सब विषम है तो, और एक ही चीज़ से अगर ये पता चलेगा जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ एक ही चीज़ पता चल रहा है कि 13 × 15 का ये बन रहा है। क्या बन रहा है? 13 × 15 का। अब मेरा ये सीरीज हो गया क्या, 3:5, मतलब यहाँ कितना डिफरेंस हो गया, 2 का। क्या बताए, 1/2 बाहर हो जाएगा। अब फर्स्ट टर्म कितना, 1/3, और यहाँ लास्ट टर्म कितना हो गया, -1/15 हो गया। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना, 15, 5 - 1 यही हो गया 4/15। इधर 1/2 था, 2 से 2 बार में गया, मतलब 2/15। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छा से सीरीज। चलिए अगला सीरीज देखते हैं, अगला सीरीज को देखते हैं। ये लिखा हुआ है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये मेरा सीरीज है, अब ये निकालें अप टू 25 टर्म। सबसे बड़ा चैलेंज इस क्वेश्चन में यही हो गया कि अप टू मेरा 25 टर्म्स निकालना है। अब यहाँ से सीरीज से पता करते हैं, एक से सीधा 4 चल जाए, 4 से 7 हो रहा है, तो कैसे पता चल रहा है, 1 से 4 होने के लिए क्या हो रहा है, 1 जो इसका डिफरेंस है, वन हो जाएगा, 3 × 3 और 1 = 4। अगर हम 7 करें 3 × 2, अगर अगला हम ज्ञात करें चौथा टर्म तो 1 + 3 × 3 जो 10 हो जाएगा, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया। अगर हम अगला टर्म ज्ञात करें तो 1 + 3 × 4 ये मेरा बनता चल जा रहा है। तो अगर एक चीज़ देख रहे हैं कि जो मेरा फर्स्ट सेकेंड टर्म है ये तो 1 कम था, थर्ड टर्म है ये 1 कम था, फोर्थ टर्म है ये 1 कम था, फिफ्थ टर्म है ये तो 1 कम था। तो हम जब 25 टर्म निकालेंगे तो 1 + 3 × 24 होगा, तो कितना होगा, 4 × 3 = 12, 2 × 3 = 6, 72 और 173 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो यहाँ हमको निकालना रह गया 73, यहाँ मेरा 73 हो गया। ये मेरा सीरीज रहा होगा 73 और 3 का डिफरेंस है तो 76 का, यही रहा होगा। इसको हम मिटाते हैं, अब देखिए ये तो मेरा कितना कितना का डिफरेंस है, 3 का। क्या बताएं, बी माइनस ए, मतलब 1/3। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरा, 1 - 1, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1 - 76, यही हो जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ से अगर हम 76 एलसीएम ले तो 76 - 1, मतलब 75/76
सिक्स इंटू वन बाई थ्री, यहाँ से 25 बार में कटेगा मतलब 25 बाई 26, यही मेरा आंसर रहा। इसको देखते हैं, अगला सीरीज है, वही चीज करना है जो बताते आ रहे हैं आप लोग को। इसका जो लास्ट टर्म होगा जो तोड़ेंगे, वही इसका फर्स्ट टर्म होगा, जो यहाँ इसका फर्स्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा इसका फर्स्ट टर्म होगा, मतलब 2 इंटू थ्री, 3 इंटू फोर, फिर यहाँ तोड़ेंगे 4 इंटू फाइव, फिर यहाँ तोड़ेंगे 5 इंटू सिक्स, मतलब यहाँ हमको 3 मतलब 2 का डिफरेंस नहीं, 1 का डिफरेंस अगर जा रहा है, सॉरी 1 का डिफरेंस अगर यहाँ हो रहा है, तो यहाँ भी जो तोड़े हम 1 का डिफरेंस, यहाँ तो इजी हो गया 8 9 का, क्या 8 9 का हुआ। अब देखते हैं यहाँ हम क्या बताया, इसका डिफरेंस मतलब 1 बाई 1, फर्स्ट टर्म मतलब क्या बना 1 बाई 2, माइनस लास्ट टर्म क्या बना 1 बाई 9, यही बना। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 18 हो गया, 9 9 दोनों 18 माइनस 2 मतलब 7 बाई 18, यही से इसका सर पता चला। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि ये मेरा सीरीज है, तो देखिएगा कि 1 के बाद यहाँ सीधा 1 के बाद 1 इंटू 4 आ जा रहा है, ये मेरा अलग अलग सीरीज निकालना होगा, चैलेंज यही मेरे साथ हो गया। तो देखिएगा कि जो मेरा यहाँ सीरीज है वो यहाँ मिल रहा है 2 के साथ, और जो 4 यहाँ अंतिम हो रहा है यहाँ 4 के साथ मिल रहा है, मतलब यहाँ 2 सीरीज सम्मिलित किया गया है। अब यहाँ अलग अलग सीरीज को निकालते हैं तो 1 इंटू 1 बाई 2 प्लस 2 इंटू 3 इसी तरह जाएगा प्लस 10th टर्म तक जाएगा। सबसे पहला यही सॉल्व करेंगे, पहला सीरीज का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया, 10th का 10 हो गया, होगा कि नहीं। यहाँ 10th सीरीज का जो आएगा 1 बाई 10th इंटू 11 हो जाएगा। अब यही हो गया कि 1 बाई 1 हो गया डिफरेंस, फर्स्ट टर्म माइनस 1 बाई 11 लास्ट टर्म हो गया। यहाँ से 11 में से 10 बाई 11, ये पहला का आया, ये मेरा पहला का आया, कितना आया 10th बाई 11, ये आया। दूसरा का हम जब देखेंगे क्या 1 इंटू 4 हो गया प्लस 1 बाई 4 इंटू 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी 10th टर्म तक जाएगा। इसमें देखिएगा तो 1 से 4 हुआ, 4 से 7, तो 10th टर्म पर बताए थे हम आप लोग को 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 10th टर्म निकालना है, मतलब 3 हो जाएगा, यही निकालना है। 10th तो 1 कम मतलब 9, 10th तो 1 कम मतलब 9, 9 3 27 और 1 28, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा जो 28 और 3 का डिफरेंस है, मतलब 1 बाई 28 इंटू 31, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या बताया कि जो फर्स्ट डिफरेंस है तो कितना हो जाएगा 1 बाई 3, फर्स्ट सीरीज लेना है और लास्ट का लेना है मतलब 131, तो यहाँ से कितना बना 131 में से 30 बाई 31 इंटू 1 बाई 3 10 बार में 10 बाई 31, 10 बाई 31 हुआ। अब ये सीरीज और ये सीरीज प्लस इसका 10 बाई 39 हुआ, 10 बाई 11 प्लस ये कितना आया था 10 बाई 11 प्लस ये मेरा कितना आ गया 10 बाई 31। इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो मेरा आ जाएगा कितना 11 कम 11 मतलब 341 हो गया, ये 31 मतलब 310 और ये 11 मैंने प्लस
110, इसको जोड़ेंगे 0, 1, 1, 2, 3, 4, 341, यही मेरा आंसर। अगला सीरीज में देखते हैं, फिर उसी तरह हम लोग को तोड़ना है। क्या 2 चौक 8, फिर यहाँ जो आएगा 4 आएगा, 6, इसी तरह हम लोग को जाना है। ये 6 हो जाएगा गुने 8, यहाँ देखिएगा दो दो डिफरेंस है। यहाँ अगर हम दो डिफरेंस देखें तो इंटू हो जाएगा तो 20 इंटू 22 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 440 होता है। अब देखिएगा इतना तो हमको सीरीज में पता चल गया, इतना ज्ञात करते करते कि बीच में कट जाता है। अब क्या करना है कि जो इसका डिफरेंस है 1/2 हो गया, इसका क्या बना 1/2 माइनस इसका लास्ट टर्म क्या बना 1/22। अब यहाँ देखिएगा 1/2 इसका जब हम एलसीएम लेंगे 22 हुआ, 11 माइनस 1 हो गया मतलब 10/22 इंटू 1/2 इधर था, 2 बचे 5/22, यही इसका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा सीरीज का क्लास, आगे देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको इसी तरह सीरीज में तोड़ते जाना है। तो जब इसको हम तोड़े, इसमें ये तो एक ही चीज़ में टूट सकता है, 3 इंटू 3, यहाँ 3 इंटू 2, यहाँ 2 इंटू 3 होगा, सॉरी यहाँ 3 इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ 4 इंटू 5 हो जाएगा। अगर लास्ट सीरीज को हम तोड़े तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 11 हो जाएगा। अब यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो वन लाइन है वो ये सीरीज के साथ नहीं है। क्या ये सीरीज के साथ नहीं है, इसको हम बाद में जोड़ लेंगे। मेरा क्वेश्चन है फिलहाल अभी तक यहाँ, तो यहाँ तक तो मेरा इजी हो गया। क्या जब हम ये तोड़े तो 1/1 डिफरेंस हो गया और 1/2 माइनस 1/11 हो गया। इसका एलसीएम कितना 22, ये 11 माइनस 2 9/11 हुआ, कितना आया 9/11 9/22। और इसको अलग से जोड़ना था कितना 1/9। तो इसका जब हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा एलसीएम 9 × 18 9 × 18 198 हुआ। अब यहाँ कितना बार में 22, 9 × 9 9 81 हो गया। इसको जोड़े तो 22 एकम 22, कितना 2 × 1 3 8 × 2 10 103/198, यही इसका आंसर हुआ। ये भी सीरीज अच्छा हुआ, क्वेश्चन पूछा हुआ ये। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 सीरीज का। अगर आपका 3 सीरीज का दिया हो तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं उस सीरीज को, 1/C-A इंटू 1/AB-1/BC। इसको सॉल्व करते हैं, क्या 1/C-A इंटू अगर एलसीएम ले तो यहाँ क्या होगा ABC होगा, यहाँ से AB कटेगा क्या बचेगा C बचेगा, माइनस यहाँ से BC कटेगा A बचेगा, यही आया जो था आ गया। अब वहाँ क्या आ गया A × B × C, मतलब अगर जब ABC लिखा हो इस सीरीज में हो तो इस टाइप हम लिख सकते हैं, समझ गए बात को। चलिए इस सीरीज को देखते हैं। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले हम बताए अब ये 3 डिजिट का हो गया सीरीज, तो हम बताए थे कि जो लिखना है वो पहला लिखना है, जो पहला और दूसरा का जो माइनस फर्स्ट और लास्ट का जो माइनस होगा मतलब C-A, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, AB 1/6 माइनस BC 4 × 12 प्लस फिर इसी तरह 1/2 होगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा,
फिर उसी तरह देखें, चार दिया 12, पांचों 20 हुआ, फिर यहाँ 6 में से 4 गया, 2 बचा, प्लस 1/2, 1/20, माइनस 1/30। यहाँ से अगर हम कॉमन लें, क्या 1/, अगर 2 हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 1/6 माइनस 1/12 प्लस 1/12 माइनस 1/20 प्लस 1/20 माइनस 30, यही सीरीज बचे मेरा। यहाँ से ये सब कट जाएगा, बचेगा क्या 1/2, 1/6 माइनस 1/30। इसी को एलसीएम लेंगे, 5 माइनस 1 मतलब 4/30 इंटू 1/2, जो इधर 1/2, 2 से 2 गया और 2 से 15 भर गया, मतलब इसका अगर फाइनल आंसर देखा जाए तो 1/15 हुआ। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा थ्री सीरीज का। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर हम बात करें, ये तो मेरा सीरीज हो गया, यहाँ से डिफरेंस लेना था मतलब 1/2 हुआ। अब मेरा फर्स्ट सीरीज क्या था, 3 × 2 = 6 1/6 माइनस लास्ट सीरीज अगर हम देखें क्या 1/30, बीच में तो सब कट हो रहा था। अब देखते हैं इसको, 1/2 हो गया, यहाँ 30 एलसीएम हुआ, 5 माइनस 1 हुआ कितना 4/30, इधर 1/2 था मतलब 1/2, क्या आंसर आया। तो इसी तरह आप लोग को एग्जाम में सॉल्व करना है। चलिए हो गया, बस ये सब समझाए कि जो इसका डिफरेंस लेना है मतलब 1/4 हो गया, का मल्टीपल 1/3 हो गया, एज ए लास्ट का 2 डिजिट मल्टीप्लाई करना है। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/7/5 यही हो जाएगा, तो माइनस 1/6/7/5 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम कितना होगा 1/4, 6/7/5 अगर हम इसको काटें तो 3 × 2 = 6 मतलब 2/2 = 5 होगा इन पे चिपल। यहाँ 1/75 × 1/4 इसको काटेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24 मतलब 56/, यही आंसर हुआ। चलिए समझ में आ गया होगा सब लोग को। अब ये आया मेरे पास अगला सीरीज, तो इस सीरीज को हम लोग को नॉर्मली बेसिक से जाना है। किससे जाना है, बेसिक से। इसको क्या करेंगे, तो 2 × 1 = 2 माइनस 1/2 आ गया, इसको करेंगे सॉल्व तो 2/3 आ गया। इसी तरह इस सीरीज चलते जाएगा। अगर अगला ये सीरीज रहता था 3/4 आता, ये आगे रहता तो इसको करेंगे 8 − 1/n हो जाता। अब ये देखिएगा कि सीरीज जो है ये कटते जा रहा है, यहाँ से ये भी कटते जा रहा होगा, बचा क्या मेरे पास 1/n, यही मेरे पास आंसर बचिए। चलिए अब ये सीरीज को सॉल्व करना है, बस उसी तरह जाना है, 2 × 2 = 1 में गया तो 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। अब ये आगे जाता, अगर और आगे सीरीज रहता तो ये क्या बनता 4/5 इंटू, अगर इसी तरह जाए तो 9/8 क्या बनेगा 10/0/99 यही बनेगा। अब ये देखिएगा सीरीज आपको कटते जा रहा है, ये भी कटते जाएगा, ये भी यहाँ आया होगा तो कटते जाएगा, बचेगा क्या 1/1/0/99 यही मेरा आंसर आएगा। ये सब सीरीज आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये मेरा सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, ये डिस्कस करते हैं। लगभग लगभग हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम किया। चलिए ये सीरीज है मेरा, और ये आज का सेशन का लास्ट सीरीज है। देखते हैं इसको फिर भी उसी तरह सॉल्व करते जाना है, 2 × 2 = 3/2
2 4 एकम 4 1, क्या 4 एकम 4 1 5/4, 6 एकम 6 1 7/6, 9/8, फिर यहाँ देखते हैं 3 एकम 3 1, गया तो 2/3, आगे देखते हैं 5 एकम 5 4/5, 6/7, इसी तरह देखिएगा, ये आ रही है मेरा कट जा रहा है, ये मेरा कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, मेरा बचा क्या 9/8, 9/8 इक्वल टू बचा 1 + 1/x, 9/8 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/8 लिख सकते हैं ना, 9/8 को 1 + 1/8 लिख सकते हैं, अब 1 + 1/x है इस तरह। अब यहाँ से हम लोग कंपेयर कर देंगे, 1 का 1 हो गया, 1/8 का मतलब यहाँ से x का वैल्यू क्या निकला 8, यही मेरा आंसर हो गया। आई होप आपका सीरीज पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं अगले क्लास पे, थैंक यू क्लास।